चटपटी और मसालेदार खबरों के लिए सब्सक्राइब करें और बेल का आइकन दबाइए और हर एक न्यूज सबसे पहले पाइए। फाइनली जिस फिल्म का इंतजार भोजपुरी दर्शक काफी लंबे समय से कर रहे थे, आखिरकार वह फिल्म आज भोजपुरी बॉक्स ऑफिस पर रिलीज कर दिया गया। जी हां, हम बात कर रहे हैं भोजपुरी फिल्मों के एक्शन स्टार प्रदीप आर पांडे की फिल्म मंदिर वहीं बनाएंगे के बारे में। जी हां, आपको बता दें कि मंदिर वहीं बनाएंगे का आज बिहार और झारखंड के बॉक्स ऑफिस पर फिल्म को रिलीज किया गया और फिल्म को सभी जगह पर जबरदस्त रिस्पॉन्स मिला है। जी हां, मंदिर वहीं बनाएंगे बिहार और झारखंड में करीब 65 से ज्यादा सेंटर पर फिल्म को रिलीज किया गया और सभी सेंटर पर फिल्म को जबरदस्त रिस्पॉन्स मिला है। ऐसे में सभी भोजपुरी दर्शक यह जानना चाहते होंगे फिल्म का रिव्यू क्या रहा होगा। वैसे आपको बता दें कि मंदिर वहीं बनाएंगे में चिंटू का बिल्कुल एक्शन पैक अंदाज फिल्म में दिखाया गया है, जो दर्शकों को काफी ज्यादा रोमांचित करता है। अयोध्या मामले से थोड़ा अलग हटकर इस फिल्म को दर्शाया गया है, जो दर्शकों को काफी ज्यादा रोमांचित करता है। खास करके चिंटू के दमदार डायलॉग पर दर्शक जमकर सिनेमाघरों में सीटी बजाते हुए नजर आते हैं। तो वहीं विलन के अवतार में नजर आने वाले सुशील सिंह का भी अभिनय को भोजपुरी दर्शक काफी ज्यादा पसंद करते हैं। जी हां, विलन के अंदाज में नजर आने वाले सुशील सिंह का अभिनय भोजपुरी दर्शकों को काफी ज्यादा पसंद आ रहा और उनके दमदार डायलॉग को दर्शक जमकर लुत्फ उठाते हुए सिनेमाघरों में नजर आते हैं। तो वहीं निधि झा की एक्टिंग की बात करें तो निधि झा ने एक बार फिर से अपने एक्टिंग से सभी दर्शकों पर राज करने का काम किया है। खास करके चिंटू और निधि पर फिल्माया हुआ रोमांटिक गाना दर्शकों की जुबान पर सर चढ़कर बोलता है। कुल मिला के कहा जाए तो मंदिर वहीं बनाएंगे में वह सभी मसाला मौजूद है जो भोजपुरी दर्शकों को पसंद आती है। अगर आप लोगों ने अभी तक मंदिर वहीं बनाएंगे का फिल्म नहीं देखा है तो आप अपने नजदीकी सिनेमाघरों में जाकर मंदिर वहीं बनाएंगे का फिल्म जरूर देखें, क्योंकि वाकई में ही चिंटू ने बहुत ही खूबसूरती तरीके से इस फिल्म में काम किया है।